आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास में घोर आस्था रखने वालों की कमी नहीं है। इसके लिए वे किसी की भी जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। प्रताड़ना और बलि तो सामान्य सी बात हो गई है। अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मासूम की बलि भी दी जा रही है और दी भी गई है। गौरतलब है कि पुलिस ने पिपराइश थाना क्षेत्र से बरामद मासूम बच्चे गजेंद्र निषाद की हत्या का खुलासा किया है, जहां पता चला कि अंधविश्वास में डूबे तांत्रिक संतोष निषाद पुत्र बेचूलाल निषाद निवासी मटिहानिया थाना पिपराइश के 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण सिर्फ बलि देने के लिए किया था, मगर उसकी दम घुटने से मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर अलर्ट पुलिस ने 72 घंटे में ही वारदात का खुलासा करने का दावा किया है कि बलि देने को लेकर तांत्रिक ने घर पर सो रहे मासूम बच्चे का अपहरण किया था और बच्चे के शोर मचाने के डर से उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। इस दौरान मुंह में कपड़ा होने से बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। बच्चे की मौत से घबराए तांत्रिक गन्ने के खेत में बच्चे का शव छिपाकर भाग गया था। पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि पिपराइश थाना क्षेत्र के मटिहनिया सोमाली इलाके से बीते 19 अगस्त को 5 साल के मासूम बच्चे का शव गन्ने के खेत से पुलिस ने बरामद किया। मृतक बच्चे के मुंह में हत्यारे ने बेरहमी से कपड़ा ठूसा था और उसके हाथ बंधे मिले थे। मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया था। तफ्तीश में तांत्रिक संतोष निषाद को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से अलाकत्ल घटना में प्रयुक्त काले रंग का गमछा का टुकड़ा बरामद किया गया है तथा अभियुक्त को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने कहा, थाना क्षेत्र पिपराइच में कुछ दिन पूर्व हुई एक बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक भी उसी गांव का रहने वाला है और उसका कहना था कि उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और बालक पर कुछ विधि करने के लिए बालक को लाया था, जिस पर कि बालक का दम घुटने से बालक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसने बालक का शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन किया है और तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे मुकदमे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।